दोस्तों आज के आईफेक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड विदाउट के मीनिंग को अच्छी तरीके से समझेंगे फिर वर्ड विदाउट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में तीन या चार सेंटेंसेस बनाएंगे और उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में ट्यूटोरियल गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आइफेक्शनर लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल दोस्तों वर्ड विदाउट विध का ऑपोजिट होता है विध का मीनिंग होता है के साथ आई एम डूइंग इट विद योर हेल्प मैं ये आपकी मदद के साथ कर रहा हूँ और विदाउट का मीनिंग होता है के बग़ैर जिस तरह आई एम डूइंग इट विदाउट योर हेल्प चले विदाउट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और देखते हैं कि हम विदाउट को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे कहा जाता है नो लाइफ विदाउट वाइफ के बीवी के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं नो लाइफ विदाउट वाइफ इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि आई कैन डू इट विदाउट योर हेल्प कि मैं ये आपकी मदद के बगैर कर सकता हूँ आई कैन डू इट विदाउट योर हेल्प इसी तरह हम कह सकते हैं कि इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विद आउट योर असिस्टेंस कि भाई ये तुम्हारी असिस्टेंस के बगैर पॉसिबल हो ही नहीं सकता था क्योंकि आपने इस प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया इसलिए हम कामयाब हुए तो मैं कहूँगा इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट यूर हेल्प विदाउट यूर इनपुट विदाउट योर असटेंस दोस्तों उम्मीदें आपको वर्ड विदाउट का मीनिंग समझ आ गया होगा अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का एक्सरसाइज के तौर पर आपने वर्ड विदाउट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप नीचे दे गए बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में आंटे देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग गुड डे